हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का तीसरा टॉपिक, दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा था लेवल ऑफ प्रिवेंशन, दूसरा पढ़ा था ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। इन दो टॉपिक में से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। और आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्यों जरूरी होती है, जरूरी क्यों है, आप सबको पता होगा। एग्जाम नज़दीक है CHO का और NHM का, इसलिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। मेंटली प्रिपेयर क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एग्जाम के टाइम बहुत सारे लोग मिलेंगे भटकाने के लिए, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। आपको सिर्फ वो पढ़ना है, जितना पढ़ना है जो आपको समझ में आ सके। ऐसे नहीं कि कोई भी बोले ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ पर्याप्त मेटेरियल रखना है, और टाइम भी कम है, लेकिन ठीक है, टाइम अपन कर सकते हैं। इसलिए आज से हम शुरू करेंगे तीसरा टॉपिक, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और क्यों जरूरी है। उससे पहले हम दो वर्ड जानेंगे, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। आपने सुना होगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, एनी फॉरेन पार्टिकल कम इनटू बॉडी एंड स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम। एनी फॉरेन पार्टिकल कम इनटू बॉडी एंड स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम। ऐसा कोई पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल क्या होता है, जो बाहर से, जो भी हमारी जो जरूरत नहीं है, तो बाहर से जो भी चीज हमारी बॉडी के अंदर रहती है, वो एक हमारे लिए एंटीजन और पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल काम करेगी। ठीक है, एंटीबॉडी रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन बाय बॉडी। जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया, जब एंटीजन आता है, जब बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी तो बॉडी क्या बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी। वो बहुत जरूरी है। इसलिए एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ये हमने समझा। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे दो फ्रेंड है, अच्छे मित्र हैं, लेकिन कभी किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को एक थप्पड़ मारता है। जब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को थप्पड़ मारता है, दूसरे और फ्रेंड की क्या होती है, बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है। कब तक स्टिमुलेट होती है, जब तक वो अपने पहले वाले फ्रेंड को दो थप्पड़ नहीं मारता, तब तक स्टिमुलेट होती है। इसी तरह हमारी बॉडी जब एंटीजन आता है, जब तक उस एंटीजन को भक्षण नहीं करते, उसको मार नहीं दे, किल नहीं करते, तब तक हमारी बॉडी एक हमारी इम्यूनिटी के रूप में एंटीबॉडी बनाती रहती है। इसी तरह हमने एंटीजन को पढ़ा, एंटीबॉडी को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है इम्यूनिटी। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफर द बॉडी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। एक सेल होती है हमारी बॉडी में, सेल पाई जाती है, जैसे नेचुरल किलर सेल पड़ी होगी, मैक्रोफेजेस सेल्स होती है, बहुत प्रकार के सेल होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बचाए रखते हैं। क्योंकि अगर ये सेल नहीं होती ना, जैसे हम बाहर घर से बाहर निकलते हैं, जैसे घर से निकलते हैं, हमारा सराउंडेड जो एरिया है, अगर अपन नग्न आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल है जो हमारे को बीमार कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी इतनी अच्छे से बनी हुई है, उसकी इम्यूनिटी इतनी शानदार है कि हमारे को पता भी नहीं चलता है कब डिजीज होती है, कब क्या चीज, मतलब एक एक अपनी जो सेना के रूप में काम करती है हमारी बॉडी। ठीक है, इसी तरह इम्यूनिटी है। दिस स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफर द बॉडी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। मतलब किसी डिजीज के अगेंस्ट कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कोविड था, कोविड मतलब कोई बंदे चलो बीमार हो गए, कोई मतलब जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो नहीं हो पाए, क्योंकि एंटीजन तो सबकी बॉडी में आया, लेकिन किसी की इम्यूनिटी कम थी, किसी की इम्यूनिटी अच्छी थी, तो वो वापस रिकवर कर पाए। इसी तरह इम्यूनिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हमने पढ़ा एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, और इम्यूनिटी क्या होती है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें से हर एग्जाम में अपने को क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम इतने टाइम में ऐसे ऐसे टॉपिक करेंगे जिससे हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता, CHO हो जाए, NHM का है, NORSET है, इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मेनली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। पहली होती है इननेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
मेनली दो प्रकार की होती है, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट क्या होता है, जो जन्मजात जो पैदा होते हैं हमें मिलती है उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है, जैसे इंडिविजुअल की है, जैसे मेरी खुद की जो इम्यूनिटी है वो इंडिविजुअल की इम्यूनिटी है, या किसी स्पीशीज की, जैसे हम किसी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी की इम्यूनिटी सेम होती है, ठीक है, उसी तरह ये इननेट इम्यूनिटी कहलाती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड वो होती है जो बाहर से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना, प्राप्त की जाती है, ठीक है, बाहर से प्राप्त करना, ठीक है। इननेट को एक अदर्श नाम जाना जाता है, इननेट इम्यूनिटी ऑल्सो नॉन एच, ऑल्सो नॉन एच, नॉन स्टॉप इम्यूनिटी, ठीक है, इननेट इम्यूनिटी ऑल्सो नॉन एच नॉन स्टॉप इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो नॉन स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड जिसको अपन बाहर से लेते हैं, किसी इम्यूनोग्लोबिन के रूप में ले सकते हैं, अपन जैसे टीकाकरण कहते हैं, वो सब क्या है, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब देखो इसके अलग तो कोई टाइप है नहीं, एक इंडिविजुअल याद रख लेना और एक स्पीसीज के बारे में याद रखना, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसके मेनली दो टाइप है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव है एक है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसको समझेंगे। एक्टिव वो होती है जब हमारी बॉडी उसके एंटीजन के विरुद्ध क्या है कि हमारी बॉडी पार्टिसिपेट करती है, उसको बोलते हैं एक्टिव। जब खुद चल के जैसे हम कोई काम करते हैं उसको एक्टिव बोलेंगे, जो बैठे बैठे खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब एक अपनी बॉडी खुद पार्टिसिपेट करी, एक अपने आप बाहर से मिले उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव के अलग से टाइप है, अपन पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, एक होती है इननेट होती है, एक एक्वायर्ड होती है। इननेट वो होती है जो हमारी जन्मजात होती है, इंडिविजुअल की होती है, और एक्वायर्ड होती है जो हम प्राप्त करते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब इसका मेन पार्ट आता है, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव ने पढ़ा कि हमारी बॉडी खुद पार्टिसिपेट करती है, पैसिव में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना होता, बाहर से दी जाती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके दो टाइप हम दो टाइप पढ़ेंगे, इसके भी दो टाइप पढ़ेंगे, एक है नेचुरल, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, एक होगी नेचुरल होगी, एक होगी आर्टिफिशियल। इसके भी नेचुरल इम्यूनिटी एक होती है नेचुरल, और इसकी भी होती है एक आर्टिफिशियल। ये देखने को मिलती है। हमने पढ़ा कि एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव में हमारी बॉडी खुद एक्टिव चल के, मतलब खुद चल के काम करती है, पैसिव मतलब बनी बनाई मिलती है। अब है नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल का मतलब आपने पढ़ा होगा, नेचुरल, नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जांपल आप मानेंगे नेचुरल, जैसे हमें कोई डिजीज होगी, हमें डिजीज होगी, अपन रिकवर हो गए, अपने को पता नहीं, मतलब इस डिजीज हुई और अपने आप रिकवर हो गए, इसको जैसे स्मॉल पॉक्स, नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन किसका टाइप है, नेचुरल इम्यूनिटी। जैसे स्मॉल पॉक्स डिजीज हो जाना, स्मॉल पॉक्स हो जाना, जैसे कोरोना, ये क्या है, हमारी बॉडी खुद, जैसे बॉडी के अंदर एंटीजन आया, हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हुई, उसके बाद अपने आप रिकवर होगी, इसको बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब है आर्टिफिशियल, जब हमारी बॉडी इनसे, जैसे ये स्मॉल पॉक्स हुआ, कोविड हुआ, जैसे हम आर्टिफिशियल कैसे बोलेंगे, इम्यूनाइजेशन, जैसे देखो हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हुई, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, स्मॉल पॉक्स और कोविड हुआ, जब कोविड है या फिर ट्यूबरक्लोसिस, ये सब डिजीज होती है, अपने आप जब रिकवर होने वाले तो स्मॉल पॉक्स होगी, कोविड होगी, अपने आप रिकवर होगी बिना कुछ दिए हुए। लेकिन जब हम जैसे इम्यूनाइजेशन में बीसीजी देते हैं, किसी के लिए देते हैं,
बीसीजी देते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए देते हैं, जैसे कोविड-19 का टीका दे दिया, उसके बाद हमारी बॉडी जो रिकवर होती है ना उसको बोलते हैं। अब देखो अगर एग्जाम का अगर बीसीजी है, बीसीजी आपको बोलना है आर्टिफिशियल एक्टिव और एक्वाड, ये दोनों का एक्वाड के टाइप है, ठीक है, एक्वाड के टाइप। इसलिए अगर आ जाए आपको सीधा बोले कि स्मॉल पॉक्स नेचुरल एक्टिव एक्वाड, उसके बाद बोले बीसीजी आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वाड, इसके भी दो पार्ट है, नेचुरल पैसिव में भी नेचुरल मिलता है और आर्टिफिशियल भी मिलता है। पैसिव में नेचुरल कैसे होता है, जैसे मदर मिल्क बच्चे को जब इम्यूनोग्लोबिन मिलते हैं, जैसे IgA और IgG दो मिलते हैं, मदर जैसे माँ से बच्चा जैसे दूध लेता है उसमें एक IgA और IgG इम्यूनोग्लोबिन मिलते हैं, उसमें से ये जो एकमात्र है IgG जो क्या करती है प्लेसेंटल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोटेक्ट द बेबी। ये हो गया नेचुरल, जैसे आपको पूछे कि ब्रेस्ट मिल्क के मदर का मिल्क वो कैसी है, आपको नेचुरल पैसिव इक्वाइट, पैसिव क्यों है क्योंकि हमें उसमें काम नहीं करना पड़ता, जैसे आप बच्चे ने दूध को शक किया, शक करने का अपने आप उसकी इम्यूनिटी बन गई, इसको बोलेंगे नेचुरल पैसिव इक्वाइट। अब आर्टिफिशियल में आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे, जैसे अपन आठ बार से अपन दे रहे हैं क्योंकि इसमें तो क्या है कि नेचुरल है मां का है लेकिन इसको बड़ा बना, जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स आते हैं जैसे इम्यून सेरा जैसे अपन बाहर से कोई इम्यून सेरा जैसे इम्यूनोग्लोबिन देते हैं बाहर से, जैसे वो पैक्ड आता है उसी तरह को अपन उसमें लगा देते हैं, उसके बाद इम्यून डेवलप होती है उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन, या फिर जिसको इम्यूनोग्लोबिन से मिलने वाली आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कराते हैं। एक बार हम रिवाइज करेंगे, हमने इम्यूनिटी बढ़ी दो प्रकार की, एक इननेट होती है एक होती है एक्वायर्ड, ठीक। इननेट जो क्या होती है हमारे खुद की होती है, एक्वायर्ड हम बाहर से प्राप्त करते हैं। एक्वायर्ड दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव होती है पैसिव होती है। एक्टिव हमारी बॉडी जैसे एक्टिवली काम करती है, पैसिव मतलब बाहर से कुछ दिया अपने आप एंटीबॉडी बन के उसको बोल देंगे पैसिव। उसके भी दो अदर टाइप है, एक्टिव में हमने पढ़ा नेचुरल होता है आर्टिफिशियल होता है, उसमें भी नेचुरल आर्टिफिशियल होता है। एक्टिव में नेचुरल क्या बोलोगे आप, जैसे कोई डिजीज होगी अपने आप रिकवर होगी उसको बोलेंगे नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल या एक्वाड कर सकते, ठीक है, नेचुरल एक्टिव एक्वाड। अब आर्टिफिशियल में क्या बोलेंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ, कोविड या फिर ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ट्यूबरक्लोसिस में हमने बीसीजी का टीका दिया, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, उसके बाद उसको क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वाड। अब पैसिव इम्यूनिटी, उसके दो टाइप है नेचुरल आर्टिफिशियल, उसमें नेचुरल कौन सा, मदर मिल्क, जब मदर बच्चा मदर का मिल्क लेता है उसमें आईजी जो भी एंटीबॉडी होती है उसमें से सबसे प्लेसेंटा क्रॉस करना एकमात्र आईजीजी, ठीक है, जो छोटी होती है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये इसका टाइप है नेचुरल पैसिव एक्वाड। आर्टिफिशियल इम्यूनोग्लोबिन जैसे इम्यूनोसेरा लगाते हैं अपन, क्या कि उसमें हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बनाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप मतलब इम्यूनिटी बन जाती है, ये थे इसके टाइप। अब एक पढ़ेंगे अपन ने, आपने नाम सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, तो अलग से एक टॉपिक है हर्ड इम्यूनिटी, इसका एक सब टाइप में कह सकते हो, फिर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम जो छोटे टॉपिक करेंगे लेकिन ऐसे टॉपिक करेंगे इसमें से मतलब एक भी क्वेश्चन का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हर्ड इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे होती है हम समझेंगे। हर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इम्यूनिटी क्यों कहेंगे बताइए साहब, कम्युनिटी इम्यूनिटी ऐसे कहेंगे कि इसमें क्या हो कि एक बल्क के रूप में मतलब हर एक को नहीं कहते इंडिविजुअल का नहीं, मतलब सब कोई डिजीज होती है जैसे अपन मान सकते कोविड होगा, ठीक है, रोक सके, डिजीज रोक सके, इसमें क्या होता है कि